द थ्री स्ट्रेंजर्स बाय थॉमस हार्डी ये पेज वन है क्वेश्चन नंबर देना है द थ्री स्ट्रेंजर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय थॉमस हार्डी एटीन फोर्टी टू नाइनटीन ट्वेंटी एट डेट याद होगा दीजिए नहीं तो नहीं दीजिए हार्डी इज़ अ पोएट नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर इज फेमस नॉवेल आ द रिटर्न ऑफ द नेटिव टू द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थ्री द वुड लैंडर्स एंड फोर्थ टेस्ट ऑफ द डर बर विल्स अब देखिए शॉर्ट स्टोरी इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉवल शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में अंतर है और नॉवल गिव द फुल पिक्चर ऑफ लाइफ और शॉर्ट स्टोरी गिव्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ और अ पीप इन टू लाइफ शॉर्ट स्टोरी में एक झांकी मिलेगा एक चक्का ब्रेड मिलेगा पूरा ब्रेड नहीं मिलेगा पर नो बिटा बिकॉज अब हम आ रहे पेज टू में

थ्री स्ट्रेंजर्स नॉक एट दट फार्मोर वन बाई वन तीन स्ट्रेंजर आते हैं एक एक करके वो लोग खटखटाते हैं एक के बाद पाँच मिनट के बाद दस मिनट के बाद फिर फिर दूसरा फिर पाँच दस मिनट बाद तीसरा द फर्स्ट स्ट्रेंजर इज अ ग्रेट क्रिमिनल पहला जो है न बहुत बहुत बड़ा क्रिमिनल है बहुत बड़ा क्रिमिनल है पहला ही टू बी हैंग टू डेज इतना बड़ा क्राइम किया उसके फांसी की सजा हुई

द फार्मर डज नॉट रिकोगनाइज और किसान जो है उसको भी नहीं पहचानता जल्लात को उसका उसका भी स्वागत करता है आफ्टर अ गैप कुछ समय के बाद देर इज अ नदर नॉकिंग एट द डोर फिर खटखटाता है कोई तीसरा आदमी दिस टाइम देर इज अंग मैन ऐट द डोर इस समय कोई जवान आदमी है जो खटखटा रहा है वेन द यंग मैन सीज द टू स्ट्रेंजर सिटिंग इन द रूम द यंग मैन रनस अभी और जब यंग आदमी देखता है दो स्ट्रेंजर को अंदर में बैठा देखता है वो भाग जाता है दर इज अलार्म फ्रॉम द प्रिजन और प्रिजन में अलार्म बचता है a prisoner has run away. कोई कैदी भाग किया है द फार्मर थिंक्स दैट द थर्ड स्ट्रेंजर इज अ क्रिमिनल तो किसान सोचता है कि जो तीसरा वाला जो भाग गया जवान लड़का वही होगा क्रिमिनल हुज रन अवे फ्रॉम द प्रिजन वो जो, जो जेल से भागा है द फार्मर विद हेल्प कैच इज द यंग मैन तो फार्मर जो है किसी और एक सिपाही को लेकर उसको उसको पकड़ लेता है यंग मैन को द पुलिस वैन कम मतलब पुलिस की गाड़ी आती है पन्नो पलटो पलटा पुलिस की गाड़ी आती है तब देखिए क्या होता है द पुलिस से द यंग मैन इज नॉट द क्रिमिनल पुलिस को पता ये यंग आदमी ये जवान छोड़ा तो क्रिमिनल नहीं है अब देखिए इन द कंफ्यूजन द रियल क्रिमिनल रंस अवे और इसी भीड़भाड़ में जो असल क्रिमिनल है वो भाग जाता है द पुलिस विल मे करना चीज फिर भी पुलिस पुलिस पीछा करेगी विल द क्रिमिनल बी कॉट क्या क्रिमिनल पकड़ाएगा द स्टोरी एंड्स विथ सस्पेंस और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो यहीं पर सस्पेंस है मैंने अनिश्चय है दुविधा है क्या होगा नहीं होगा द स्ट्री चेंजेस एज अ स्टाइल ऑफ अ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी तो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी में यही सब चीज़ होता है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है सस्पेंस होता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा एंसर पर और क्या क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल वी मे मैंशन द स्टोरी द लास्ट लीफ गिफ्ट ऑफ द मेजा इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा क्या कहते हैं द द लास्ट लिफ्ट हेनरी है सब दे रहे हैं मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का शॉर्ट स्टोरी का एग्जाम्पल कप ऑफ टी ये भी शॉर्ट बाय वर्जीनिया वुल्फ अ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कैन बी रिटर्न ऑन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द डेथ ऑफ अ हॉर्स टू यंग गर्ल्स फर्स्ट ऑफ एवर मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी को हम लोग किसी विषय पर क्या कहते हैं ये घोड़ा मर जाए या कोई जा, क्या, जवान लड़की का पहला लव अफेयर हो इसी के नहीं सब्जेक्ट ठीक है द तो थ्री स्ट्रेंजर्स इज अबाउट अ डेंजरस क्रिमिनल एंड अ काइंड फार्मर इस कहानी फार्म। में क्या है खतरनाक क्रिमिनल पर कहानी है और एक दयालु किसान की कहानी है शॉर्ट स्टोरीज हैव बिकम पॉपुलर इन द एज ऑफ स्पीड और शॉर्ट स्टोरी जो है आजकल जल्दीबाजी के जीवन में बहुत पॉपुलर हो गया दैट्स ऑल थैंक यू और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सअप नंबर एट रिटायर्ड प्रोफेसर बीके मिश्रा और ये है विकास का एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर अब ये रेलवे में ऑफिसर है टी वी पेशन खेदन को जो मदद करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं आर्थिक मदद इस नंबर पर करें फ़ोन पे गूगल पे पीटीएम एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर क्योंकि प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स वो हेल्प पार्टी वी पेशेंट खेदन और नंबर के बेटे बाब और खेदन अब अच्छा हो गया है लेकिन हम लोग उसको मदद करते रहें और उसको मदद करना मतलब मुझे भी मदद करना दैट्स ऑल थैंक यू